तंजीम इसलिए बनाई जब मैं 2018 में इलेक्शन में खड़ा था, तो जब मैं नवा के लिए अखरोटाबाद में हल्के में जाता था तो लोगों का जो पसमानदगी मैंने देखा और लोगों के साथ जो मैंने वादे किया, मैंने बोला मैं ये करूँगा वो करूँगा। जब मैं इलेक्शन हार गया, मैंने बोला अभी लोगों के सामने कैसे जाए, वो बोलेंगे कि इलेक्शन के टाइम में तो आपने इतने बड़े वादे किया, हमने आपको एक वोट दिया है 10 वोट दिया जितना भी दिया। मैंने बोला मेरा गैरत मेरा जमीर मुझको इजाज़त नहीं देता था, मैंने बोला इसको अभी मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी मदद आपकी तहत कुछ करूँगा। तो फिर मैंने फाउंडेशन बनाया, अभी मेरा जमीर जिंदा है, जिधर भी मैं जाता हूँ, मैं गली में जाता हूँ, जिधर भी जाता हूँ मुझको शर्म नहीं आता है। चाहे मैं तो इलेक्शन हार गया, लेकिन फिर भी मैं जब भी जिधर जाता हूँ मैं खुश हूँ, मुझको सुकून मिला है, मुझको शर्म नहीं आता है। जिधर भी जाए मैं बोलता हूँ कि मैंने तो कुछ किया है। जब कोरोना आया तो हमने सबसे पहले एक मीटिंग बुलाया, मेरा अपना एक जियो टीवी तोखी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पे। हमने सोचा कि यहाँ पे हम लोग कितने लोगों को आरक्षण दे सकें सबसे पहले, तो हमने 6500 से के आसपास लोगों को घरानों को राशन दिया और उसका रिकॉर्ड हमारे साथ मौजूद है। और इसी तरह मेरा तो दिल चाहता है कि मैं खिदमत करूं, सब बातें पार्टी से हट कर जितना भी मैं अपनी मदद आपके तहत लोगों का गरीबों का मदद कर सका, मैंने पहले भी किया है और अभी भी मेरा ये प्रोसेस जारी है। मैंने सिर्फ क्वेटा सिटी को 10 एम्बुलेंस दिया है, सिर्फ अपने जेब से दिया है, न किसी से मैंने पैसे लिया है, न कोई एनजीओ से मैंने पैसे लिया है, न किसी ने मुझको दिया है, सिर्फ अपने जेब से मैंने ये खर्च किया है, सिर्फ लोगों के लिए, आवाम के लिए, गरीबों के लिए। और इसी तरह 350 के आसपास मैंने मरीज एडमिट किया है अपने खर्चे से हॉस्पिटलों। और इसी तरह मैंने बादनी को, मुस्लिम बाग को, किला सिपला को, लोरलाई को एक एक एम्बुलेंस दिया है। तो मेरे खुद जितना भी मैं कर सका गरीबों के लिए मैं करूँगा। और ये लोग जो सोचते हैं कि शरीफ खान इलेक्शन का तैयारी कर रहे हैं, अगर मैं इलेक्शन का तैयारी करता हूँ तो लोरलाई को मैं एम्बुलेंस क्यों दूँगा, मैं अपने हल्के में क्यों खर्च नहीं करूँगा, मैं बादनी वालों को क्यों एम्बुलेंस दूँगा, मैं मुस्लिम बाग वालों को क्यों एम्बुलेंस दूँगा। तो सिर्फ मेरा दिल ये चाहता है कि मैं गरीबों के लिए खिदमत करूँ, चाहे जिधर भी हो। कराची में मेरा फाउंडेशन का वो है बुनिया, वहाँ पे भी हम लोगों ने एक यूनिट को बनाया है, वहाँ पे वो दिन रात गरीबों के लिए काम करती है, मरीजों को एडमिट करती है। 5500 थैली ब्लड हम लोगों ने वो किया है, अत्या किया है, वो पुष्णोखा ब्लड बैंक में सेनार में हमारा रिकॉर्ड पड़ा है। तो आला करे कि हम और भी इन लोगों के लिए खिदमत करें। मैंने बहुत कोशिश किया, ख़ास तौर पर सबसे पहले मेरा जो अपना गिलजी कबाइल का जो मशरान है, जो सरमायदार तबका है, मैंने बहुत कोशिश किया, बहुत कैंपेन चलाया कि मैं उन लोगों का नज़रिया और सोच बनाया था कि वो लोगों के का खिदमत करें। बहुत कोशिश किया, मैंने सिर्फ 2 बंदों को बनाया है जो उसने अपनी मदद आपके थे, मुझको एक एम्बुलेंस दिया, एक एम्बुलेंस और वादा किया है, 2 स्पा मदा कहानी, मैं उसका बहुत शुक्र गुजार भी हूँ। और एक दूसरा बंदा है, उसने भी थोड़ा कुछ किया है मेरे साथ कोरोना में। बस मेरा तो ये पैगाम है सरमायदार तबके से ख़ास तौर कि ये जो सरमाया है, ये अर्जी सरमाया है, ज़िंदगी जो है ना, हर किसी का जितना भी ज़िंदगी है 60 साल 70 साल से ज़्यादा नहीं है, 35-40 साल तो वैसे भी गुजर गया। तो हमको चाहिए कि पैसे जो है ना वो जो गरीब के लिए खर्च करे ताकि अल्लाह भी हमसे खुश हो जाए। और ये जितना भी पैसा मैंने खर्च किया है, मैं अल्फिया कहता हूँ कि खुदा की कसम मुझको पता नहीं कि ये कहाँ से है, मैंने ये जो खर्च किया है मुझको मालूम नहीं है कि ये किधर से आ रहा है, और न मेरे सरमाए में कमी हुआ है। मेरा सरमाया इलेक्शन से पहले जितना था जब मैंने एक खैर शुरू किया, खुदा की कसम मैं सच बता रहा हूँ मेरा सरमाया ज़्यादा हुआ है। पश्तनों के साथ यकीनन जुल्म हो रहा है, इसमें शक नहीं है। पश्तों का जो कल्चर है, जो पकड़ी है, जो दाढ़ी है, जो नबी अलैहिस्सलाम का सुनत है, खुदा की कसम जिधर भी मैं जा रहा हूँ खुद रास्ते में, मुझको ये इसका उलिया भी हमने ऐसा पेश किया है माशरे में कि इसको हमने दहशतगर्द इशू किया, लेकिन पश्तून बहुत परामन काम है। बलूचिस्तान पश्चिमन बॉर्डर पे जो वाकिया हुआ,
اس کا ہم خود پر زور مذمت کرتے ہیں. وجہ صرف یہ ہے کہ وہاں پہ نہ کوئی فیکٹری ہے نہ کوئی اور بزنس ہے, صرف یہی ایک بارڈر ہے جو غریب غریب لوگ جو ہے وہاں پہ کوئی کچھ کمائی کرتے اور اپنے بچوں کو پال رہے. تو ہمارا یہ خواہش ہے کہ یہ ظلم اور بربریت جو ہے یہ ختم ہو جائے. جو بھی اس کے لیے ایک ایسا ٹیم بنے تاکہ ایک مذاکرات کرے, چاہے بارڈر والوں کے لوگوں کا اگر اس میں اگر کوئی ایسا لوگ ہے جو انتشار پھیلا رہے اس کے خلاف کارروائی کرے, جو انتشار پھیلا رہے ہم اس کے حق میں نہیں, جو بھی پشتون ہوگا جو انتشار پھیلا رہے اس ملک میں ہم اس کے خلاف ہیں. اور جو صحیح لوگ ہیں اس کا سزا صحیح لوگوں کو بھی مل رہا ہے. بلوچستان میں نہ کوئی پکٹری ہے نہ کوئی اور چیز ہے, تو ہم کو چاہیے کہ ہم بارڈر کے لوگوں کو کا آواز سنیں اور ان کا مدد کریں. بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے میرا پیغام ہے کہ خدا کی لیے آپ لوگ نکلے ایک پلیٹ فارم پہ خود کام شروع کریں اللہ کے لیے. یہ جو سیاسی پارٹی پیپلز پارٹی, میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے, یہ نہیں سوچے کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوں یا آپ پشتونخوا ملی آپ پارٹی سے ہو یا آپ نون لیگ سے ہو, ان کو چھوڑ اپنی جگہ پہ خود. یہ جو بلوچستان میں جو پسماندگی ہے جو لاچار اور بے بس لوگ ہیں ان کا پوچھے, ان کے ساتھ مدد کرے. سوشل میڈیا کا دور ہے, اگر ایک نوجوان نکلے خود کوشش کرے تو اللہ اس کو کامیابی ضرور دیں گے. تو میرا یہ پیغام ہے کہ سب نکلے اور یہاں پہ جو پسماندگی ہے جو در پدر اس کے خلاف کام کریں.